एक तरफ जहां बीजेपी ने हरियाणा में कई सीटों पर मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया, तो कई सीटों पर टिकट कटने से पुराने विधायक नाराज भी नजर आ रहे हैं। फफक फफक कर रो पड़े नेताजी, ये टिकट नहीं मिलने का दर्द। बीजेपी ने जैसे ही अपने 78 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही कई जगहों पर जश्न मनने लगा, तो कई जगहों नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुंडरी से बीजेपी विधायक रणधीर गोलन तो कार्यकर्ताओं के सामने ही फफक कर रो पड़े। टिकट नहीं मिलने से नाराज रणधीर गोलन ने बीजेपी छोड़ने के साथ ही पुंडरी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया और टिकट नहीं देने को बीजेपी की बड़ी साजिश करार दिया। उन्ना पता भुगतांगे जी जो करे, मैंने कि मेरा जी करने वाले बड़े बड़े हैं, मानना कौन पूछा, मारे तो फोन नहीं ठंडे हैं, मानना कौन पूछा जी। षड्यंत्र पूरे बीजेपी का षड्यंत्र, भाई ये रणधीर गोलन पुंडरी का विधायक ना बने, इनको पता था, इसको टिकट दे दिया जी 60-70 हज़ार वोट इस बार जीतने वाला है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत रणधीर गोलन विधायक ना बने जाए, लेकिन इस हल्के की जनता ने आपके सामने निर्णय कर लिया और ये जीता के रहेंगे। इस हल्के की तासीर रही है कि पुंडरी हल्के से आज़ादी जीतता है। मेरा आज़ाद इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन छत्ती बरादरी की जनता ने निर्णय लिया कि रणधीर गोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है और वोट हमारी है, हम आपको जिता कर लेंगे, इस हल्के का विधायक बनाएंगे। जनता का निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है, ये जनता का निर्णय है। रणधीर गोलन और उनके समर्थन में आए लोगों ने पुंडरी से बीजेपी उम्मीदवार को पैराशूट उम्मीदवार बताया। बीजेपी ने पुंडरी से वेदपाल एडवोकेट को उम्मीदवार बनाया है। जश्न पैलेस में सैकड़ों समर्थकों ने गोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपकी सेना आपके साथ है, आपके इसी के आपके साथ है। पुंडरी से R9 TV के लिए विजय मिगलानी की रिपोर्ट।